मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और आज हम लोग बायोसाइट में स्टार्ट कर रहे हैं साइटोलॉजी को। बायोसाइट चैनल पर हम लोग टीजीटी पीजीटी सब से संबंधित सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बायोसाइट के इस पहले लेक्चर में हम लोग साइटोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय हर्टविग। ये जो टर्म है साइटोलॉजी, ये हर्टविग ने दिया था। हर्टविग साइटोलॉजी का मतलब होता है साइटो, दो टर्म से मिलकर बना है। साइटो का मतलब होता है सेल, और जो लॉजी है, कहीं भी अगर लॉजी आ जाती है तो उसका मतलब होता है, वो लॉगोस टर्म से लिया गया है, और उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना। साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करेंगे। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। इस कोशिका किसकी बनी होती है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, इसके जेनेटिक्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स के। तो हम सब लोग साइटोलॉजी में सेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले कि सेल क्या है। पहले हम सेल की हिस्ट्री देखते हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या है। सेल टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। जो सेल है इसमें हम सेल का अध्ययन करेंगे। सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट हुक, एक महान वैज्ञानिक, ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल के बारे में बताया कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होता है। ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने बताया है, और इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इनको कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सेल के बारे में बात की, सबसे पहले सेल को बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने एक्चुअली एक जो पहले के ज़माने में जो दवा की शीशियाँ होती थी उन पर एक जो ढक्कन लगा होता था, लिड लगा होता था, वो लकड़ी का लगा होता था। तो इसी को इन्होंने कट किया, इसका थिन स्लाइस किया, और देखा इनको क्या दिखाई दिया, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ऐसे इनको एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे कि हनी बी कॉम्ब का जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और इसी को इन्होंने सेल्यूलर टर्म दिया, सेल्यूला जो कि कंपार्टमेंट लाइक इनको दिखाई दे रहा था, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसको इन्होंने सेल्यूलर टर्म दिया, और सेल्यूला से फिर सेल आया। तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर सेल्यूला, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। ये जो लिड था, ये जो ढक्कन पर, ये जो लकड़ी है, ये ओक की लकड़ी थी। ओक का बॉटनिकल नाम होता है क्वेरकस सुबेर। ये जो है इसका इन्होंने कार्क एक्चुअली देखा था, जो बाहर की लेयर होती है, छाल होती है, कार्क सेल को देखा था इन्होंने जो कि ये जो प्लांट सेल है जो डेड हो चुकी है उसको देखा था। कि कहाँ का प्लांट था, ओक का प्लांट था, और ओक का बॉटनिकल नेम होता है क्वेरकस सुबेर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेरकस जो वो इन्होंने देखा था वो किस प्लांट की लकड़ी थी, उसका बॉटनिकल नाम आप बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोग्राफिया, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले सेल टर्म इन्होंने दिया था
ये जो सेल टर्म है सेलुलर से आया, सेलुलर से आया। सेलुलर का मतलब होता है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, और ये लैटिन वर्ड है। मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट जो है, साइटोलॉजिस्ट स्वानसन है, और इनकी बुक का नाम है सेल। इनकी बुक का नाम है सेल। सेल अपनी बुक का नाम ही इन्होंने सेल रख दिया। तो अब हमने देखा कि ये जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी है वो एक डेड सेल है। अब हम देखते हैं ये कि जो लिविंग सेल है वो लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। किस लिविंग सेल को देखा? एक्चुअली इन्होंने बैक्टीरियल सेल को देखा था। बैक्टीरियल सेल में इन्होंने एक बैसिलस को देखा था। बैसिलस जो कि छड़ के आकार की होती है, बैसिलस सेल को इन्होंने देखा था। बैसिलस का मतलब होता है छड़ के आकार, छड़ का आकार। तो छड़ के आकार की जो बैक्टीरिया इन्होंने देखी उसको नाम इन्होंने एनिमल क्यूल दिया। जो भी इस सेल को इन्होंने देखा उसको नाम इन्होंने एनिमल क्यूल दिया। इनको एनिमल क्यूल नाम दिया। किसको दिया? जो भी सेल इन्होंने बैक्टीरियल सेल को देखा था, सबसे पहले जो लिविंग सेल को देखा उसको नाम एनिमल क्यूल दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल्युलर टर्म दिया था और इन्होंने एनिमल क्यूल दिया। और वास्तव में इन्होंने ही एक लिविंग सेल को देखा है। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया पे बहुत काम किया है। और सबसे पहले इन्होंने सेल को भी देखा था, लिविंग सेल को भी देखा था। अब सेल की बात हो गई कि सेल की खोज किसने की। सबसे पहले सेल के बारे में बात की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। स्वानसन मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट हैं। और 1590 में जैकेरियस जॉनसन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की। चूंकि माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी इसलिए चीज़ें अब क्लियर दिखाई पड़ने लगी हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की खोज अब होना शुरू हो गई है। तो उसी में सबसे पहले सेल की खोज भी हुई उसी क्रम में। तो हम साइकोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं? हम फिजियोलॉजी को क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम किंगडम नहीं पढ़ते हैं? हम सबसे पहले कहीं भी चैप्टर होता है तो वो साइकोलॉजी का होता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि हम साइकोलॉजी ही सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं। जैसे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बना होता है ऑर्गन सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, कई ढेर सारे सिस्टम मिलके किसी एक बॉडी को बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो टंग से स्टार्ट होता है, इसोफेगस से, स्टमक, पैंक्रियाज है, लीवर है, कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ऑर्गन कैसे बन रहा है? टिश्यू सिस्टम से बन रहा है। कई टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं। टिश्यू सिस्टम कैसे बन रहा है? टिश्यू से बन रहा है। और टिश्यू कैसे बन रहा है? सेल से। सेल का जब ग्रुपिंग हो जाती है, स्पेसिफिक जो सेल की ग्रुपिंग हो जाती है तो वो टिश्यू का बन जाती है। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो सेल्स जिनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जब सेम होता है और उनका ग्रुप बन जाता है तो उसको कहते हैं टिश्यू। जैसे आईज की है या ईयर्स की है तो इनकी जो सेल्स होंगी वो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होगा। तो और ऐसे ही आईज की भी, लेकिन ये एक दूसरे से अलग होंगी। तो
इसको कहते हैं टिश्यू, और टिश्यू का फिर टिश्यू सिस्टम बनता है। आइए क्या कह रहे हैं हम, सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। ये बॉडी बन गया है, कैसे बना है, सेल से बना है। देखिए सेल से बन गया है, सेल बनाया टिश्यू, टिश्यू से बना टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बन गई है। अगर हम बॉडी की फिजियोलॉजी को जानना है, इसके स्ट्रक्चर को जानना है, इस पर होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभाव के बारे में जानना है, इसकी हर एक्टिविटी के बारे में जानना है, तो जाहिर सी बात है ये जिससे बना है यानी कि सेल्स, तो सेल्स के बारे में हमें जानना होगा। अगर हमें इसकी जेनेटिक्स को जानना है तो हमें सेल्स के बारे में जानना होगा कि सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो सेल, इसीलिए सबसे पहले हम बॉडी के बारे में स्टडी करने से पहले हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सेल इज द एक्चुअली सेल इज द यूनिट ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये यूनिट होता है, इसीलिए हम सबसे पहले सेल का अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है तो वो बना होता है ब्रिक्स से, ढेर सारे ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर जुड़ जुड़ के एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। तो अगर हमको बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को, इसके स्ट्रक्चर को और इस पर क्या क्या प्रभाव किसी चीज़ का पड़ सकता है, इन सब के बारे में अगर हमें बिल्डिंग के बारे में पूरी नॉलेज होना है या जानना है, इसकी क्वालिटी के बारे में जानना है, तो हमें ब्रिक्स के बारे में जानना होगा कि ये जो ब्रिक्स है इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो जैसे ब्रिक्स यूनिट है, इकाई है किसी बिल्डिंग की, वैसे ही सेल इकाई है, यूनिट है किसी बॉडी की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेल इज द यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसीलिए सबसे पहले हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन होता है। तो हम किसी भी बॉडी के पहले यूनिट का स्टडी करते हैं, इसीलिए हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये डिटेल हो गया है। अब हम जानते हैं कि सेल कितने तरह के होते हैं। सेल पहले देख लेते हैं, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, उसके बाद आई सेल थ्योरी कि भाई सेल क्या है, कहाँ से आया है। तो आई सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दो महान वैज्ञानिकों ने, मैथियस स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान ने दी थी। मैथियस स्लाइडन 1838 में आते हैं, ये बॉटनिस्ट हैं और जर्मन के हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है, ये जर्मन के हैं, जर्मन साइंटिस्ट। और थियोडोर स्वान ये जूलॉजिस्ट हैं और ये ब्रिटिश से हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। थियोडोर स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट हैं, मैथियस स्लाइडन जो कि एक बॉटनिस्ट हैं, ये जर्मन से हैं और ये ब्रिटिश से हैं। 1838 में इन्होंने स्टडी किया, 1839 में इन्होंने स्टडी किया है, अलग अलग स्टडी किया, लेकिन इनका जो थ्योरी, सेल थ्योरी आई, वो कंपाइल होकर आई, जिसको सेल थ्योरी कहा गया। तो सेल थ्योरी क्या थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। इस दुनिया में कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो वो सेल का बना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल के बने हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल के बने हैं। दूसरी बात ये, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल
फंक्शनल एंड जेनेटिकल जेनेटिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये जो सेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल फंक्शनल और जेनेटिकल यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो सेल है किसी भी बॉडी की जेनेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके स्ट्रक्चर के लिए, इसकी जेनेटिक्स के लिए, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सेल यूनिट है किसी भी बॉडी के जेनेटिक्स का, स्ट्रक्चर का, फंक्शन का। तो ये सेल थ्योरी थियोडोर स्वान और मैथ्यू स्लाइडर ने दी थी। इसके बाद ओमनिस रुडोल्फ विरको का एक स्टेटमेंट आया, मात्र एक स्टेटमेंट ने सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी बना दिया। मात्र एक स्टेटमेंट से और रुडोल्फ विरको 1855, किसी किसी किताब में 59 दिया गया है लेकिन पाथफाइंडर में 1855 है। रुडोल्फ विरको, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ये है कि जो नई सेल है, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स बन रही हैं, जो नई सेल्स हैं वो पहले से उपस्थित पहले से उपस्थित जो सेल्स हैं उनसे बन रही हैं वाया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो जाता है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक सेल से दो सेल, एक सेल से चार सेल्स बन जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, और इसके बाद एक नई थ्योरी उसमें जुड़ गई, जो सेल थ्योरी थी उसमें एक नई थ्योरी जुड़ी कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नई सेल्स बन रही हैं वो पहले से उपस्थित सेल से बन रही हैं। तो सेल थ्योरी जो, और ये फिर मॉडर्न सेल थ्योरी हो गई। मॉडर्न सेल थ्योरी में तीन स्टेटमेंट हो गया, क्या क्या हो गया, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने हैं। दूसरी बात, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड जेनेटिकल। ये तीन जो स्टेटमेंट है, ये जो तीन थ्योरी दी गई, ये पूरी मॉडर्न सेल थ्योरी कहलाई, जिसको आफ्टर दिस स्टेटमेंट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला के बाद मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया। तो हमने जाना सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। अब हम देखते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितने तरह के हैं, एक अगर हम नंबर के आधार पर देखें, नंबर ऑफ सेल्स अगर हम नंबर के आधार पर देखें तो दो तरह के हैं, यूनिसेल्युलर या फिर असेल्युलर कह सकते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो सेल थ्योरी है उसका एक्सेप्शन है वायरस। एक्सेप्शन ये है क्योंकि ये जब लिविंग है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, जब ये लिविंग बॉडी में जाता है तो
तो ये लिविंग जैसा बिहेव करता है, लेकिन ये क्या है, ए सेलुलर है, ए सेलुलर है। और जब ये डेड सरफेस पर जाता है तो डेड जैसा बिहेव करता है। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डेड, डेड जैसा बिहेव करता है, और ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। और एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि जो ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल्स का बना होता है। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं है, जब ये डेड में जाता है तो लिविंग जैसा बिहेव नहीं करता है। जब अगर कोई चीज लिविंग है तो वो कहीं भी रहे उसको लिविंग बिहेवियर उसका होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी के जो थ्योरीज हैं उनको पूरी तरह ये फॉलो नहीं करता है। कौन? वायरस। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकी, एक ही कोशिका जो रहती है, एक सेल, एक ही सेल से ये डाइजेशन भी कर लेते हैं, डाइजेशन न्यूट्रिशन भी अपना लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, रेस्पिरेशन, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसी भी जगह होना चाहिए वो सारे की सारा, पूरी लाइफ स्पैन, पूरा लाइफ स्पैन मतलब पूरी जिंदगी ये एक ही सेल से ही गुजार लेते हैं, और सारी सारे के सारे काम ये एक सेल से ही करते हैं, और पूरा टाइम, पूरे लाइफ स्पैन ये एक ही सेल में बने रहते हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर कहते हैं। इनका जो गमन है, लोकोमोशन है, वो भी एक ही सेल से हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी इसी सेल से हो रहा है, डाइजेशन भी इसी से, वो खाना भी खा ले रहे हैं, तो सब कुछ एक सेल से हो रहा है। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या है, मल्टी का मतलब होता है मेनी, बहुत से सेल है। यहां पर सेल का स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ये ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, तो कई सेल बन के डिवीजन हो रहा है, इनमें एक सेल ही नहीं रह जा रहे हैं, इनका ये एक सेल से फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर स्पेशलाइजेशन हो जा रहा है, ये कई सेल मल्टी सेल बना के एक बॉडी बना रहे हैं, और बॉडी जो है अलग अलग सेल, आईज अलग काम कर रही है देखने का, ईयर्स अलग काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक पूरा एक सिस्टम बन जा रहा है, कई सेल्स, कई ऑर्गन सिस्टम का स्पेशलाइजेशन हो जा रहा है अलग अलग काम के लिए। जो माउथ है, स्टमक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आ रहा है, लंग्स है, वो रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, इस तरह से अलग अलग ऑर्गन का स्पेशलाइजेशन हो रहा है अलग अलग कामों के लिए। और ये जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर, कई कई सेल की बन जा रही है, इसीलिए इसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लांट सेल, कोई सभी प्लांट सेल लगभग, और एनिमल्स, जो भी एनिमल्स सेल हैं वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल है। ये तो हो गया नंबर के आधार पर। दूसरा अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स, और उससे पहले हम देख लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल, जो कि ये थोड़ा नोट्स के रूप में लिखा जा सकता है, ये जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा, माइकोप्लाज्मा भी इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट सेल।
लार्जेस्ट लार्ज, लार्ज कौन होता है जिसकी लेंथ और जिसकी ब्रेथ चौड़ाई भी दोनों की जब बात होती है तो वो हो जाता है लार्ज, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग बहुत बड़ा। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल जो कि हमारी बॉडी में ही है नर्व सेल, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो नर्व सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है, स्मॉलेस्ट सेल पीपी येलो है। हमने नंबर के आधार पर सेल को देख लिया है कि सेल दो तरह के हैं। अब हम लोग न्यूक्लियस के आधार पर देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के आधार पर सेल कितनी तरह के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पर अगर हम देखें तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। दूसरा होता है यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, या कह सकते हैं इंसिपिएंट, या कह सकते हैं अनडेवलप, डेवलप नहीं है इनका न्यूक्लियस। और यू का मतलब होता है गुड, आर वेल डेवलप्ड। इनका जो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक जो होंगे उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, गुड होगा, और ये प्राइमेटिव होंगे। तो ऐसा क्या है उस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस आद कहा जा रहा है, प्राइमरी कहा जा रहा है, अनडेवलप कहा जा रहा है, क्या है? तो उसमें सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा। जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस वो भी एब्सेंट है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन ये भी एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। जब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो जो इनके क्रोमेटिन होंगे, इनके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो नेक्ड होंगे, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होंगे। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है वेल डेवलप है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, केंद्रिका प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करता है तो जाहिर सी बात है कि हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ये है यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस। और इन दोनों के बीच में आता है कौन, मेसोकैरियोट्स। वो देखो प्रो का इतना लाइट हो। और इन दोनों के बीच में है मेसोकैरियोट। मेसो का मतलब होता है मेसोकैरियोट्स, मेसो का मतलब होता है मिडिल में, मतलब इन दोनों के बीच का कैरेक्टर हुआ, कुछ इसका है कुछ इसका है। देखते हैं इसका क्या है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है,
प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, एब्सेंट है। तो जो न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कहाँ का कैरेक्टर है, ये यूकैरियोटिक है, ये यहां से लाया गया। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट कहाँ है एब्सेंट, ये तो यहाँ पे एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। मतलब हिस्टोन प्रोटीन का एब्सेंट होना, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल का पाया जाना, ये प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना यूकैरियोटिक कैरेक्टर है, इसीलिए इसको मेसोसोम्स में, सॉरी मेसोकैरियोट्स में रखा गया है। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजेलेट, डायनोफ्लैजेलेट्स, और इसका एग्जाम्पल डायटम्स। डायटम्स क्या है, डायटम्स एक प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको प्रोटिस्टा कहा जाता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया था। यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन्हीं को प्रोटिस्टा कहा जाता है और डायटम्स इसमें आता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कैरियन के बारे में, अभी सिर्फ जो कैरियन का डिफरेंशिएशन है वही हमने देखा है। अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अलावा जो उनमें डिफरेंसेस हैं उसको हम देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस की हमने बातें कर ली कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, नेट क्रोमेटिन मटेरियल है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड है। और दूसरा क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, सब एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, सब है, इसमें प्रेजेंट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम वो 70S टाइप का है, 70S टाइप, 50S प्लस 30S। और इसमें जो राइबोसोम पाया जा रहा है, इसमें जो राइबोसोम पाया जा रहा है वो 80S टाइप का, 60 प्लस 40S, ठीक। इसमें पॉलीराइबोसोम पाए जा रहे हैं, पॉलीराइबोसोम, इसमें मोनो, मोनोसोम्स पाए जा रहे हैं, मोनोराइबोसोम, पॉली मतलब एक टेम्पलेट पर कई ठू लगे हुए हैं, यहाँ पर एक टेम्पलेट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पाए जा रहे हैं, ठीक। इसमें स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है नहीं है, जबकि इसमें है तो कंपार्टमेंट अलग अलग नहीं बटे हैं, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंटाइजेशन इसमें नहीं है, इसमें है। और क्या नहीं है, इसमें जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस, 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 क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये दोनों साइटोसॉल में हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है। और जो ईटीसी है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और जबकि इसमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में, साइटोसॉल में, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स में हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है।
और जो ईटीसी है, ईटीसी है वो माइट्रो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हो रहा है, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हो रहा है। जो प्रोकैरियोट्स है इसमें जो इनर लेयर है, जो इसका मेम्ब्रेन है, वो एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम पहले ही बताया जाता था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है वही करता है, इसमें रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसके बहुत ढेर सारे प्रमाण नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं मानते हैं, और मानते हैं कि जो भी इनका रेस्पिरेशन वाला काम है, ये सब काम है, वो इनर लेयर पर इनके होता है, ना कि मीजोसोम ऐसा कुछ है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्या हो गया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स राइबोसोम। हाँ, और इनका जो डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और इनका जो डीएनए है वो लीनियर डीएनए के साथ साथ सर्कुलर डीएनए भी है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी लीनियर के साथ सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है इसमें लीनियर डीएनए पाया जा रहा है, लेकिन सर्कुलर डीएनए भी पाया जा रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित है। अब हम लोग सेल के, जो प्लांट सेल है, सेल वॉल के आधार पर इसके डिफरेंसेस को देखेंगे। हमने सेल नंबर के आधार पर देख लिया, कैरियन के आधार पर देख लिया, अब हम सेल के आधार पर देखेंगे। और जो प्रोकैरियोट्स है उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और यूकैरियोट्स का प्लांट सेल एनिमल सेल है। हम सेल वॉल के आधार पर देखते हैं, सेल वॉल के आधार पर देखते हैं तो दो तरह का है, एक है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, इसमें जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब इनको देखा जाता है तो एकदम झाग के आकार के होते हैं, झाग जैसा दिखाई देता है, तो वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर या तो एब्सेंट होते हैं, और अगर पाए भी जाते हैं या फिर प्रेजेंट हैं तो छोटे हैं, इफ प्रेजेंट देन वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटे होते हैं, या तो अनुपस्थित होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, जबकि इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ठीक, तो ये हमने देखा कि सेल वॉल के आधार पर प्लांट सेल और एनिमल सेल, बाकी सारी चीजें इसमें भी, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से इसमें क्लोरोफिल होता है और इस चीज की वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, गॉल्गी बॉडी और सभी लगभग ऑर्गेनेल्स दोनों में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे कि सेल वॉल क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स के एक एक पार्ट को हम लोग करेंगे। थैंक यू।